श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी, उसका रीज़न था ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है और बहुत डीप ज्ञान है, उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे तो उन्होंने एक वो रोज़ बैठते थे अपनी चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए, एंड वो सोचते सोचते सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला।